देखिए दोनों इंडिकेटर चालू हैं, लाइट चालू नहीं है, ना ये दोनों लाइट चालू, ना ये लाइट चालू, कोई भी चालू नहीं, ऑटोमेटिक चालू। और देखो मीटर में क्या नोटिफिकेशन है, 50 का है, बाकी एसेसरीज वगैरह में 70 के आसपास पड़ जाए। अगर ये कवर हो गया, ये हो गया, इसके अंदर माइक लगा हुआ, और जो बल्ब मैंने पहले लोकल गिरवा लिए थे, ये वाले छोटे वाले, तो भाई ये ओरिजिनल डल गया आज। हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल चाल है सभी के, तो स्वागत है एक और ब्लॉग में, दीपक ब्लॉग टीवी पर। भैया आगे की बात करेंगे बैठ कर। तो भाई आज का ब्लॉग हमारा है क्या ब्लॉग है अपना, कि अपनी बाइक में एक इशू आ रहा है। वो इशू है, एक तो हेडलाइट नहीं जल रही है, मतलब कोई कनेक्शन इशू हो रहा है, या तो कोई प्लग में दिक्कत है, कोई प्लग फूक गया। चारों इंडिकेटर ऑटोमेटिक जल रहे हैं और हेडलाइट जल नहीं रही है। सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। मैं बाहर भी दिखा सकता हूँ पर मन नहीं है बाहर दिखाने का, सर्विस सेंटर ही दिखाऊंगा। तो सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, चारों इंडिकेटर जल रहे हैं ऑटोमेटिक, ना बंद करने पे हो रहे हैं ना अपने आप हो रहे हैं, तो जाके पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि कोई छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, 10 बजे सर्विस सेंटर खुलता है। इतना बड़ा काम होगा नहीं, अगर प्लग का कोई इशू होगा तो फटाफट हो जाएगा। मोटो व्लॉग में मिलेंगे, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ बाइक में प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये अपनी बन निकल गई है बाइक, और अभी देखो मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना तो प्रॉब्लम क्या है। ये हो गई स्टार्ट, इसमें प्रॉब्लम है। देखो पीछे के दोनों इंडिकेटर चालू हैं, आगे के दोनों इंडिकेटर चालू हैं, लाइट चालू नहीं है, ना ये दोनों लाइट चालू, ना ये लाइट चालू, कोई भी चालू नहीं, ऑटोमेटिक चालू। और देखो मीटर में क्या नोटिफिकेशन है कि फ्रंट वाली लाइट चालू है, इंडिकेटर का मार्क आ रहा है, पर ऐसा क्यों है यार ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई प्लग का इशू है जाके देखते हैं, और उम्मीद है कि प्लग का इशू हो यार, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर खर्चा होगा ज़्यादा। अगर प्लग का हुआ तो नॉर्मल खर्चे में हो जाएगा भाई। सबसे पहले तो चलो और इसमें डलवाते हैं तेल। देखो यहाँ पे दुकान है, अगर वो मैकेनिक आ गया होगा ना तो मैं एक बार जानकारी के लिए पूछूंगा कि मैटर क्या है, अगर बताया ठीक है, नहीं बताया तो वैसे तो सर्विस सेंटर हम जा ही रहे। चलिए भाई, देखियो इंडिकेटर, हेडलाइट बंद है, इंडिकेटर चारों ऑटोमेटिक चालू है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? चलो इसमें क्या हाल है, U11 है, 50 का है, बाकी एसेसरीज वगैरह में 70 के आसपास पड़ जाए। अगर ये कवर हो गया, ये हो गया, इसके अंदर माइक लगा हुआ है, वो हो गया, अभी ले जाता हूँ उतार के इसे। अरे नोर कह रहा था क्या खड़े मतलब कुछ कहता हुआ भी जा रहा था। हाँ चलो, तो भाई ये दोनों यार नहीं, मतलब ये दोनों भाई थे पर दोनों साथ में दोस्त हैं, एक जिम करता था एक पढ़ा है साथ में, तो इसलिए बातचीत हो जाती है, बाकी तो और कोई नहीं। अब देखा भाई, इसने बोला कि मैं कल देखूँगा, हाँ मुझे वायरिंग चेक करनी पड़ेगी, इससे अच्छा हम सर्विस सेंटर जाएंगे और सर्विस सेंटर दिखाएंगे। तो भाई हाईवे पर आ गए हैं और एक मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक ये है कि क्या बोलते हैं, तेल नहीं डलवाया, तेल इस रोड पे डलवाना पड़ेगा। वाकई में तेल बहुत कम है, और इतने कम तेल में अगर 20 दिन से बाइक खड़ी है तो भी प्रॉब्लम है। तो फटाफट से जल के पहले इसको लाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर 10 बजे से पहले पहुंच गए तो बेहतर है, ठीक है पहुंच जाएंगे वैसे 10 बजे से पहले।
वाह भाई वाह, क्या आनंद है बाइक चलाने का। भाई मैंने 70,000 बता के नंबर बना लिए। वो कह रहा था 70,000 का, बोल रहा था कि यार इतने में तो आईफोन वगैरह ये वो फलाना ढिमकाना। चलो कोई ना, वैसे मेरे ख्याल से 60 के हिसाब से पड़ गया होगा भाई, क्योंकि जब 11 आया था मैंने तब लिया था तुरंत। कितना 50 का 11 हो गया, 5 का ये अडेप्टर हो गया, 2015 का ये केस हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, 3 बैटरी ले चुका हूँ मैं इसकी, जो 2000 की एक बैटरी आती है, तो लगभग भाई इतना ही लगा लेते हैं, 70,000 मना मान लेते हैं। तो भाई गलत क्या होता है, मैंने सही बताया। बाकी मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है, एकदम मज़ेदार मौसम। तो पेट्रोल पंप हमारा स्वागत करने वाला है कि बबू आ जाओ जरा पैसा लेके, जरा डलवाओ उसमें तेल, जेब खाली करो थोड़ी सी। यहाँ भीड़ मिलती है, अच्छे पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहाँ मिलती है भीड़, और बेकार पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहाँ कट के आ जाओ। अब किधर जाओ, ये ले भाई मिलेगी जगह वाला पाला। ना थोड़ा सा बस 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 दबाओ, 600 हो गया भाई। ये लो जी अपन पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर पर। ना जाने क्यों ऐसा लगा कि सर्विस सेंटर खुला है नहीं खुला है, हमने गलत जगह देखी है, हमें गलत लगा है, सर्विस सेंटर तो खुला है भाई। और ये देखो मुझे लगा बाइकों की लाइन लग रही है। ये लो जी समस्या अपनी लेकर हम आ गए सर्विस सेंटर। चलो जी मैं बात करके बताता हूँ ना क्या सीन है, क्या कितना टाइम लगेगा और क्या प्रॉब्लम है। लो जी भाई लोग, ये खड़ी है अपनी गाड़ी और गाड़ी का काम हो गया है। टाइम बहुत लगा है पर अभी सारी बात बताता हूँ, बस 2 मिनट का समय, तो एग्जिट ले लेते हैं यहाँ से। देखो बिल देख ही लो यार, फिर बार बार निकालना पड़ेगा, 60 रुपये का बिल है। बाकी स्टोरी बताता हूँ बाहर जाके, सब्र करो बस, यहीं देना पड़ेगा। 1 मिनट कपड़ा मार देना इस पर, इस पर ऑयल लग रहा, या मुझे दे दो मैं मारूँ। नहीं ये तो दे दो आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। बस 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 चल धन्नो, आ गया जी गेट पास। बड़ी जल्दी में अभी सर्विस सेंटर से लेके निकल ही रहा हूँ यार, दोबारा टिकेगा कैसे, अभी इस पे ही चढ़ जाता मैं। हाँ जी भाई लोग देखो बाहर निकल गए हम, टाइम देखो मैं 10 बजे करेक्ट पहुँच गया था और टाइम हो रहा अभी 12:41, 10 से 11, 12, 1 लगभग 3 घंटे हो गए पूरे। ठीक है 3 घंटे की स्टोरी बताता हूँ, अगर ये बाइक पहले ही देख लेते तो इतना देर का काम था नहीं सच बताऊँ तो, पर मानते नहीं है, नंबर लगेगा नंबर लगेगा। फिर जिससे मैं सर्विस करवाता हूँ वो आया, उससे बात करी, उसने फटाफट उनको बोल के कि 5 मिनट दो 5 मिनट दो, जब जाके 5 मिनट में काम हुआ है, मुझे 3 घंटे खड़े रहना पड़ा। दिक्कत क्या हुई है भाई, इसके प्लग में चला गया था पानी, वो क्लीन किया है लगाया है, और जो बल्फ मैंने पहले लोकल गिरवा लिए थे ये वाले छोटे वाले, तो भाई ये ओरिजिनल डल गए। आज थे सर्विस सेंटर में, पिछली सर्विस पाया था तो थे नहीं ये वाले, तो मैंने बाहर से LED लेके 20-20 रुपये की डलवा ली, जो घर जाती ख़राब हो गए थे, अब काम हो गया अपना, हेड लाइट भी जल गई, इंडिकेटर भी पास भी ठीक है, सब चालू हो गया। तो चलते हैं घर भाई, भूख लग रही है, अब यहीं से खा के जाऊंगा, क्योंकि भूख लगती है तो कुछ बढ़िया सा चाहिए खाने के लिए।
तो भाई लोग अपनी बाइक का हो गया है काम फाइनली। अब मैं जा रहा हूँ घर। घर जाने से पहले कुछ खाऊंगा। बाहर थोड़ी सी दूर जाके अपनी फेवरेट मिलते हैं, छोले भटूरे, नान, शाही पनीर। क्या बात है, 60 रुपए की प्लेट मार के तब घर जाऊंगा रायते के साथ। साथ में खाऊंगा 2 रसगुल्ले। क्या दावत है, वाह भाई वाह। ऐसी प्लान अपने ज़िंदगी में खाते खाते ही मर जाएंगे। तो मेन चीज़ जो थी वो होगी भाई, टेंशन खत्म होगी। टाइम लगा और हाँ, बिल मैंने बता दिया ना, 60 रुपये लगे हैं सिर्फ। उसमें भी 30 रुपये का बल्ब है एक, तो उस चीज़ का चार्ज लगा है, बाकी कोई चार्ज नहीं लगा। ये मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्यों आई है। ये प्रॉब्लम आई है भाई हॉस्पिटल के बाहर, जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो हॉस्पिटल के बाहर कम से कम 10 दिन बाइक खड़ी रही थी, बिल्कुल भी नहीं चली। बारिश में खड़ी, क्योंकि जब बारिश में भीग जाती है ना बाइक और बाइक चलती है उसके बाद, तो वो हीट के बाद ना कोई पानी या मॉइस्चर हो पहुँच जाता है अंदर, तो वो चलने के बाद हीटिंग से अपने आप सूख जाता है। बट पानी बरसता रहा, बारिश गिरती रही और पानी भरता रहा और बाइक खड़ी रही, तो उसकी वजह से इसका जो प्लग है इसके हेड के अंदर, उसमें पानी चला गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। वो उसने क्लीन करके 4D से, अरे क्या बोलते हैं उसको, WD से, और अपना बल्ब मैंने इंस्टॉल करवा लिया। मौज आ गई अपनी गाड़ी तैयारी घूमने के लिए पूरी रात बिरात में, क्योंकि बल्ब थे नहीं। और पता है मेरा मन क्या कर रहा था कि मैं इसमें कुछ इंस्टॉल करवाऊंगा, LED इंस्टॉलेशन कुछ करवाऊंगा आगे फ्रंट में, बट अभी प्लान कैंसिल है बिकॉज यहाँ से प्रोडक्ट अच्छे मिलते होंगे पर बहुत मेहनत के बाद मिलेंगे, ढूंढने के बाद। अभी कुछ नहीं मिलने वाला, इसके लिए दिल्ली कभी जाएंगे तब ये चीज़ें करवाएंगे। अभी कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, अब बस खा के फिर घर निकलेंगे। बस मुझे 2 मिनट दो फिर पहुँचते मैं खाने के लिए। देखो अपना खाने पीने का सिस्टम इधर किधर ही रहता है यार, इधर किधर ही रहता है, कहाँ रहता है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। तो यू टर्न मार के आना पड़ेगा भाई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सर्विस सेंटर पर इतने कम पैसे दिए, मुझे लगा था कम से कम, मुझे डर ये था यार ये ज़्यादा पैसे ना बता दे, क्योंकि पता नहीं है किस चीज़ का, किस किस चीज़ का सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं ना। रुक जाना, क्योंकि क्या मजा रहा। तो फिर भी 60 रुपये हुए, मैं शॉक्ड हुआ एक बार को मन में, पर मन के चल ठीक है अच्छा हो। चलो जब खा पीने के बाद मिलते हैं, खाने पीने के बाद मिलते हैं। YouTube पे वीडियो बनाता हूँ मैं। हाँ हो गए 110। चलो जी, कैश दी 60 रुपये पाओ, दे दो अपने हिसाब से, कुछ मोटी कुछ पतली जैसे देनी। लो जी भाई, लोग अपने निकल गए हैं दावत के बाद, मज़ा आ गया। बस एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, बाइक चलाने का। अब समझ रहे होगे ये सब खाने के बाद क्या चाहिए, सिर्फ बेहोशी आती है, बेहोशी, वो भी इस टाइम दोपहर के टाइम। पूरा एक बज चुका है और मम्मी के लिए जामुन भी ले लिया मैंने। पेड़ है पास में पर उस पर इतनी अच्छी जामुन नहीं मिलती, पहले तो पेड़ों से ही तोड़ तोड़ के खाते थे। अब देखो यहाँ भी ऐसा टाइम आ गया कि खरीद के लेनी पड़ रही है। देखो अभी आंखों की चील की निगाहें मेरी, मैं ऐसे नंबर देखता हूँ कितने, 16 15, इतनी दूर से देख लिया मैंने, समझ रहे हो, 11 10 9 8, अरे चलिए रे मालगो, 5 4, ओ लाला निकल अंदर, 1 30 बंद होगी, पुलिस वाले ना खड़े, अरे चल बढ़ गया नंबर, बढ़ गया 125 आ गया, मतलब दूसरी लाइट खुल जाती है ना उसकी वजह से। शॉर्टकट मारा और फिर यहीं खड़े होना पड़ गया। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। 30 सेकंड की लाइट है, आगे चलो थोड़ा सा। ऑल राइट दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूँ भाई, गांव पहुंचने वाला हूँ, मैं जिंदा ला गया हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बाइक का काम 40 रुपये में हो गया, नहीं 60 रुपये में हो गया, और 60 रुपये के चक्कर में 1000 रुपये की एस्टेसी कर दी। कैसे 600 रुपये का तेल गिर गया, 110 रुपये खा गया, और 30-40 करके इधर उधर कहाँ कहाँ दे दिए पता नहीं, और 60 रुपये ये हो गए लगभग खींच खाँच के 1000 रुपये मान के चलेंगे भाई, 1000 रुपये लगा दिए। पर देखो सच बताऊँ, सर्विस सेंटर पे ही जाके ठीक होती बाइक। ये मैं यहाँ कराता ना
यहाँ पता चलता ही नहीं क्या दो, पहले इंडिकेटर खोलता, वायरिंग खोलता, पता नहीं होता नहीं है यहाँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का भी, और साथ में बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय माता दी, और सभी को राम राम जी।